गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 27 एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 28 इज सिंप्लीफाई. सो स्टूडेंट्स, हेयर फर्स्टली वी विल ऐड द नंबर्स विद प्लस साइन एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम द सम ऑफ दिस नंबर्स. क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस साइन वाले को ऐड कर लेंगे और फिर जो सम आएगा उस सम में से हम माइनस साइन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अंडरस्टूड? ओके. सो फर्स्टली ऐड दिस नंबर्स 3978 प्लस 4896. स्टूडेंट, ये जो सम है वो हम रफ में कर लेंगे. 8 प्लस 6 14, 1 कैरी. 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 17, 1 कैरी. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 1 कैरी. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 4 प्लस 4 8. सो द सम इज 8874. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस सम. 8874 माइनस 2987, ये सब्ट्रैक्ट भी हम रफ में कर लेंगे. फोर माइनस सेवन नॉट पॉसिबल, वी विल बोरो. जब हम बोरो करेंगे फोर बिकम्स 14, सेवन बिकम्स 16, एट बिकम्स 17 एंड एट बिकम्स 7. 14 माइनस सेवन 7, 16 माइनस 8 8, 17 माइनस 9 8 एंड 7 माइनस 2 5. सो द आंसर इज 5587. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी 5887. सो स्टूडेंट्स, हेयर वी विल ऐड द नंबर्स विद प्लस साइन. सो ऐड द नंबर्स विद प्लस साइन. 6680 प्लस 1740. सो स्टूडेंट, इनका सम हम रफ में कर लेंगे. 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी. 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी. 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8420. सो द सम इज 8420. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस सम. सो 8420 माइनस 3995. When we will subtract this, so the answer is 4425. Okay. सो स्टूडेंट, सी पार्ट भी सेम ऐसे ही होना है. फर्स्टली वी विल ऐड द नंबर्स विद प्लस साइन. आपके यहाँ पर प्लस साइन वाले हैं 6908 एंड 6023. सो फर्स्टली वी विल ऐड बोथ दीज नंबर्स. जब हम ऐड करेंगे सो आ जाएंगे 7531. देन वी विल सब्ट्रैक्ट 4929 फ्रॉम 7531. सो योर आंसर इज 2602. डी पार्ट भी आपका सेम ऐसे ही होना है. ओके, अंडरस्टैंड? सिंप्लीफाई में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पहले प्लस साइन वाले ऐड करने हैं, फिर ऐड करने के बाद जो आपका सम आएगा उस सम में से आपको माइनस साइन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 30 इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना है. सो 537 मल्टीप्लाइड बाय 9, हमें यहाँ पर 537 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है. सो 9 7 ज़ा 63, 3 6 कैरी. 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 3. 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 3, सॉरी 27 प्लस 6, 63. 33,
3, 9, 5 is 45, 45 plus 3, 48. So the answer is 4833. Here 746 into 8. 746 की 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. 8, 6 is 48, 8, 4 कैरी, 8, 4 is 40, 40 plus 4, 44. 8, 6 is 48, 8 carry 4, 8, 4 is 32 plus 4, 36 carry 3, 8, 7 is 56 plus 3, 59. So your answer is 5968. Now C part 8, 6 is 634 into 12. अब हमें 634 को 12 से मल्टीप्लाई करना है. सो स्टूडेंट, जब यहाँ पर टू डिजिट नंबर आ जाते हैं तो हेयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस डिजिट. सो फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाइड दीज नंबर्स बाय टू एंड देन वी विल मल्टीप्लाइड बाय वन. ओके, सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस डिजिट. सो टू फोर ज़ा एट, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व. नाउ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. नाउ स्टार्ट फ्रॉम वन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेंथ डिजिट. नाउ वी विल मल्टीप्लाइड बाय वन, वन फोर ज़ा 4, 1 3 is 3 and 1 6 is 6. Now add these numbers. 8, 6 plus 4, 10, 1 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 3, 6 and 6 plus 1, 7. So your answer is 7608. So students, now question number 31. So your question number 31 is, a man saves rupees 78 per month. How much will he save in 4 years? कह रहे हैं एक आदमी रुपीज 78 पर मंथ सेव करता है तो वो 4 years में कितना सेव करेगा. So student, firstly we will write savings of 1 month. तो वन मंथ में कितना सेव कर रहा है वो रुपीस 78. नाउ वी नो दैट वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. सो स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड आउट द सेविंग्स ऑफ 12 मंथ्स. हमें यहाँ पर कितने मंथ्स की निकालनी है, 12 मंथ्स की निकालनी है. सो सेविंग ऑफ वन ईयर इज इक्वल टू, वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, वन ईयर की निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाइड 78 बाय 12. हम रुपीज 78 को 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. टू एट ज़ा 16, वन कैरी, टू सेवन ज़ा 14 प्लस 1 15, वन एट ज़ा 8, वन सेवन ज़ा 7, 6, 5 प्लस 8 13, वन कैरी, 7 प्लस 2 9. रुपीस 936. सो योर आंसर इज 936. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने वन ईयर का निकाल लिया बट वी हैव टू फाइंड आउट द सेविंग्स ऑफ 4 ईयर्स. हमें 4 ईयर्स का निकालना है. सो नाउ वी विल राइट सेविंग्स ऑफ 4 ईयर्स. सो We will multiply it 936 into 4. क्योंकि 1 ईयर में वो 936 रुपीस सेव कर रहा है, सो 4 ईयर का निकालने के लिए हम 936 रुपीस को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. When we will multiply 936 by 4, then your answer is 3744. Hence he saved rupees 3744 in 4 years. Okay,
कुछ नहीं था, आपको दे रखा था कि एक जो मैन है वो 1 मंथ में ₹78 सेव करता है, और हमें पूछा गया था 4 ईयर में कितनी सेविंग्स करेगा। सो वी नो दैट 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। हम 4 ईयर्स का डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते थे, तो सबसे पहले हमने 1 ईयर का निकाल लिया। सो सेविंग्स ऑफ 1 ईयर इज़ इक्वल टू 78 × 12, हमने 78 की 12 से मल्टीप्लाई कर दी, बिकॉज 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स होते हैं। सो हमारा आंसर आया ₹936। अब हमें पता चल गया कि वो 1 ईयर में इतना सेव करता है। अब हमें कितने का निकालना था, 4 ईयर्स का निकालना था। सो 4 ईयर्स का निकालने के लिए हमने ₹936 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 3744। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज़, ऑल द 67 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th इन अ स्कूल प्लान टू गो ऑन अ पिकनिक, ईच कंट्रीब्यूट्स ₹125, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। कह रहे हैं क्लास 4th के 67 स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान की, जिसमें से हर एक ने ₹125 को कंट्रीब्यूट किया। सो तो कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, ये पूछा गया है आपको। सो फर्स्टली वी विल राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 4th। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 67। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट्स, हर एक स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ₹125। सो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई ₹125 बाय 67। सो द आंसर इज 8375। जब हम 125 की 67 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 8375। हैंस रुपीज़ 8375 हैज़ बीन कलेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 34 इज़, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन सम्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच केस। सो स्टूडेंट्स, नाउ डिवाइड 306 बाय 8। We have to find out the question and remainder. Firstly, we will divide 30. So, 8 threes are 24. 10 minus 4, 6. 6. 8 eights are 64. 6 minus 4, 2. So the question is 38 and remainder is 2. Now 3008 divided by 7. So firstly we will divide 30. So 7 4s are 28. 10 minus 8, 2, 0. 7 2s are 14. 10 minus 4, 6, 8. Now 7 9s are 63. 8 minus 3, 5. So the quotient is 429 and remainder is 5. Students, your question number 35 is, 7 persons together planned a picnic. If they collected ₹4,158 in all, how much was contributed by each person? कह रहे हैं 7 persons ने एक picnic plan की, जिसमें से उन्होंने total amount ₹4,158 total amount collect किया. So, हर एक person को, each person को कितना amount collect करना, contribute करना पड़ा. So firstly we will write total money collected by 7 persons, rupees 4,158. Then money contributed by 1 person.
सो स्टूडेंट, हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। जब भी वर्ड प्रॉब्लम में ईच पर्सन, किसी भी ईच का, कुछ भी वन का निकालना होता है, सो वहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। सो हेयर वी विल डिवाइड 4158 by 7। ओके, 4158। सो फर्स्टली वी विल डिवाइड 41, 7 5 35, 11 - 5 = 6, 5 नोट कर लेंगे, 7 9 = 63, 5 - 3 = 8, 7 4 = 28। सो योर आंसर इज 594। हैंस कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 594 बाय ईच पर्सन, या फिर ये भी कह सकते हैं हैंस ईच पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 594। क्वेश्चन नंबर 36 इज 6190 कैंडल्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 9 कैंडल्स ईच, हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मैनी कैंडल्स विल बी लेफ्ट। कह रहे हैं 6190 कैंडल्स उन बॉक्स में पैक की जाती हैं जिनमें हर एक बॉक्स में 9 कैंडल्स आती हैं, तो कह रहे हैं कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे और कितनी कैंडल्स लेफ्ट रह जाएंगी। सो फर्स्टली वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ़ कैंडल्स। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडल्स कितने हैं 6190। वन बॉक्स कंटेन कैंडल्स, वन बॉक्स में कितनी कैंडल्स आ रही हैं 9। सो टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 6190 को 9 से डिवाइड कर देंगे। सो 9 6 = 54, 11 - 4 = 7, 9 9 8 = 72, 9 - 2 = 7, 0 नोट कर लिया, 9 7 = 63, 10 - 3 = 7। हैंस 6837 बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड एंड 7 कैंडल्स विल बी लेफ्ट। 6877 हमें बॉक्स रिक्वायर्ड होंगे और हमारी 7 कैंडल्स लेफ्ट रह जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 40 इज एड 65 rupees 85 paise एंड 19 rupees 20 paise। सो फर्स्टली वी विल अरेंज दीज नंबर्स एंड इन कॉलम एंड देन वी विल एड ₹ paise, 65 rupees 85 paise एंड 19 rupees 20 paise। 5 + 0 = 5, 8 + 2 = 10, 1 carry, 5 + 1 = 6, 6 + 9 = 15, 1 carry, 6 + 1 = 7 + 1 = 8। सो द आंसर इज 85 rupees 5 paise। नेक्स्ट इज 109 rupees 75 paise, 267 rupees 95 paise एंड 76 rupees 25 paise। वी विल अरेंज दीज नंबर्स इन कॉलम्स, देन वी विल एड 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 1 carry, 7 + 1 = 8, 9 + 8 = 17, 17 + 2 = 19, 9, 1 carry, 9 + 1 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 6 = 23, 2 carry, 6 + 2 = 8, 8 + 7 = 15, 1 carry, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 453 rupees 95 paise। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 इज सब्ट्रैक्शन। 17 rupees 95 paise फ्रॉम 26 rupees 10 paise। सो अरेंज दीज नंबर्स इन कॉलम एंड देन सब्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स 0 - 5 नॉट पॉसिबल, we will borrow, 0 becomes 10 and 1 becomes 10, 15 and 1, 10 - 5 = 5, 10 - 9 = 1, 15 - 7 = 8 and 1 - 1 = 0, 8 rupees 15 paise।
बी इज रुपीज 43.75 फ्रॉम रुपीज 100. सो वी विल अरेंज दिस नंबर इन कॉलम एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट. सो 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल. बोरो करेंगे 0 बिकम्स 10, 10, 10, 10. सो 0 बिकम्स 10, 10 बिकम्स 7, 10 बिकम्स 9, सॉरी 10 बिकम्स 9, 10 बिकम्स 9 एंड 1 बिकम्स 0. 10 माइनस 5, 5, 9 माइनस 7, 2, 9 माइनस 3, 6, 9 माइनस 4, 5. सो योर आंसर इज रुपीज 56.25.